हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का व्लॉग खेत से स्टार्ट कर दिया मैंने। फिलहाल खेत में आए हुए हैं, पापा ने फ़ोन किया था तो फोन इसलिए किया क्योंकि ये पीछे देख पा रहे हो आप, बारिश चढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो जो सुबह चारा काटा था ना तो वो भीग जाएगा, तो इस वजह से इसको जमाना पड़ेगा चारे को। और ये देखो पापा काम कर रहे हैं इधर भाग भाग के। तो कितनी मुसीबत से मतलब किसान को जो काम करना पड़ता है खेतों में, कभी भी कोई भी मुसीबत टपक सकती है। तो जो सुबह ये देखो ये चारा कटा हुआ दिख रहा है आपको, सूखा हुआ है, तो ये सूखा हुआ गीला हो जाता है जिसकी वजह से फिर जानवर खाते नहीं है इसको। तो अभी यहाँ खेत में है तो इसको जमा रहे, तो इसको जैसे झोपड़ी के जैसे जमाएंगे ताकि जो पानी गिरेगा बरसात का वो सारा इसके ऊपर से होता हुआ, मतलब ऊपर ऊपर के जो चारा होता है वो ही भीगेगा, अंदर का नहीं भीगेगा। इसलिए देखो कितना जल्दी जल्दी जमा रहे, अभी मैं भी जमवाता हूँ। बाकी आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किसान को खेतों में मतलब काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मौसम का, हर चीज़ का, तब जाके अनाज इकट्ठा होता है और जानवरों के लिए चारा इकट्ठा हो पाता है। इतने मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जो चारा काटा था उसको जमाना पड़ेगा। तो इस तरह से किसान को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती है उनके सामने, मुसीबत जो होती है वो उसका सामना करना पड़ता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अभी मैं भी जमाता हूँ क्योंकि बारिश आ गई तो ये भीग जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।